Good morning, students. Today I will explain you lesson number 6, the wind and the sun. Okay? Wind, sun, can you see that man walking down the road? I can get his coat off more quickly than you. अब यहाँ पे wind है और sun. Wind means हवा और sun यानी सूरज. इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती है और ये picture में आपको देख रहे हैं ये man को लेकर इनके बीच में कुछ बातें होती है. एक type का competition भी होता है. Wind क्या कहता है sun को? Sun, can you see that man walking down the road? यहाँ road पे ये man चल रहा है आपको. तुझे दिख रहा है sun? ऐसे वो कह रहा है. I can get his coat off more quickly than can you can. कि means wind कह रहा है sun को कि तुम जितना जल्दी से coat नहीं इसे ये coat पहना है ना तो फिर तुम नहीं निकलवा पाओगे उससे जितना जल्दी मैं इसे ये coat निकलवा दूंगा. Sun smiling means sun smile करके क्या आंसर देता है wind को? We will see who is stronger. I will let you try first. क्या बोलता है सर? कि we will see who is stronger. कि हम दोनों में से विन या सन में से कौन stronger है? कौन उसका कोट निकलवाएगा? I will let you try first. Means मैं तुम्हें first chance देता हूँ कि पहले तुम try कर लो कि तुम उसे अपना कोट निकलवा पाते हो कि नहीं. फिर मैं try करूँगा. Next. Wind puffing his cheek and blowing hard. Means puffing his cheek. मैंने उसने क्या किया? ऐसे करके वो puffing करने लगा. Wind वो ऐसे करने लगा. वो क्या करेगा? Wind है वो तो हवा ही डालेगा उस man के ऊपर. तो क्या किया उसने? ऐसे अपना cheeks पूरे ऐसे करके यहाँ picture में आपको दिख रहा है वो ऐसे करके उस man को blow करने लगा. हवा blow करने लगा. तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मैन हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे. वो बोलने लगा कितनी ठंडी हवा तेज हवा चल रही है आज. इट इज ब्लोइंग माय कोट अवे. क्या बोल रहा है वो? कि इससे इसकी वजह से वो हवा चल रही है तो कैसे हम उठते हैं कपड़े से उठते रहते. उसे बोला इसकी वजह से कोट उड़ रहा है मेरा. आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माय सेल्फ. मतलब वो उड़ जाएगा तो उसको टाइटली होल्ड करना होगा. मुझे पकड़ के रखना होगा टाइटली. बहुत तेज हवा चल रही है तो मुझे कोट को टाइटली पकड़ना होगा. ओके नाउ वेन ब्लोइंग हार्ड मींस और जोर से और जोर से वो ब्लो करने लगा. देखो यहाँ पे दिख रहा वो और जोर से करने लगा. उसके बाद क्या हुआ? मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली मींस उसने पकड़ना. पुलिंग मींस पकड़ना. उसने उसका कोट और टाइटली मींस और जोर से पकड़ के रखा. हाउ कोल्ड इट इज. उसने बोला कितनी ठंड है. मींस बहुत तेज ठंड हवा चल रही थी. उसने वही बोला कि कितनी ठंड है. उसने इसलिए और उनकी तो क्या कॉम्पिटिशन चल रहा था कि उनके उससे कोट निकलवाना है. और विंड जैसे और ज्यादा वो ब्लो कर रहा था तो उससे वो कोट निकलवा नहीं सका और उसे और टाइटली पकड़ लिया ऊपर से. और वो तो टाइटली पकड़ता रहा क्योंकि ज्यादा ठंड थी तो हम तो अपने आप को कवर ही करते हैं. नेक्स्ट विंड सन आई गिव अप. उसने क्या बोला? आई गिव अप. अब मैं उससे कोट नहीं निकलवा पाया. I cannot get his coat off. मतलब मैं उसे कोट नहीं निकल पाता है. सन ने क्या बोला? Now it is my turn. कि अब मेरी बारी है. अब मैं try करूंगा उससे कोट निकलवाने की. Let me try. He shines hard. अब सन है वो कैसे उससे निकल? वेंट तो अपनी हवा डालेगा तो वो अपना कोट निकल आएगा पर नहीं हो पाया क्योंकि ज्यादा हवा ठंडी हवा चल रही थी तो उसने अपना कोट और टाइटली पकड़ लिया. अब सन ने क्या किया? वो शाइन बहुत ज्यादा शाइन करने लगा. मैन व्हाट अ फनी डे. It was so hot and now it is so hot. अब ये बोला कितना फनी डे है. कैसा अजीब सा मौसम है. पहले इतनी ठंड थी और इतनी गर्मी है. तो अब क्या होगा? सन शाइनिंग हार्डर. अब वो और हार्डर शाइन करने लगा. अब धूप और ज्यादा धूप को देगा. शाइन मीन्स अगर वो धूप ही देगा शाइन करेगा तो हम पे तो धूप ही लगेगी इसकी. तो जब धूप होती है तो हमें कितनी गर्मी लगती है. तो उससे और ज्यादा वो बहुत ज्यादा शाइन करने लगा और गर्मी होने लगी. आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर मीन्स उसे इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ही हॉट फील कर रहा था. उसको बहुत ही गर्म फील कर रहा था. मैं वाइपिंग हिज फेस मींस वो अपना मुंह पोछने लगा. देखो ये इस पिक्चर में आपको शो कर रहा है कि उसने अपना मुंह पोछा. वो अपना पसीना हो रहा था बहुत गर्मी लग रही थी तो उसने अपना फेस पोछा वाइप किया. आई मस्ट टेक ऑफ माय कोट. और उसने क्या क्या गर्मी की वजह से उसने शर्ट भी पहना था वो टाई सब पहना था. और ज्यादा गर्मी लगती है हमें तो उसने सोचा कि मैं कोट निकाल लू. Sun, wind, I have gone, I have made him take off his coat. और गर्मी के कारण उसने क्या किया? कोट अपना निकाल दिया.
और विंड तो नहीं कहा जा, तो द विंड एंड द सन की कंपटीशन के बीच में कौन जीता था? सन जीत गया क्योंकि उसे गर्मी लगी मैन को, उसने अपना कोट निकाल दिया। ओके आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी। नेक्स्ट वी मूव टू अवर न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स रोड, कोट, क्विकली, स्ट्रॉन्गर, चिक्स, वॉन। ओके नाउ दीज whole textbook exercise I will explain you in our notebook exercise. Okay, now we move to our notebook exercise. Lesson number 6, the wind and the sun. These are the new words. 1, wind. Number 2, down. 3, quickly. 4, coat. 5, strong. 6, blowing. 7, cold. 8, tightly. 9, harder. 10, pulling. 11, funny. 12, shining. 13, hotter. H-O-T-T-E-R, hotter. 14, wiping. Okay? Question answers. Question number 1. What did the wind do to get the man's coat off? ऑफ में निकाला, मैन को कोट निकालने के लिए विंड ने क्या किया था? आपको पता ही, विंड ने क्या किया था? उसे क्या किया था? हवा मुंह से ब्लू की थी। आंसर, द विंड ब्लू हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, मतलब उसने ऐसे ब्लू किया था ताकि वो मैन का कोट निकाल सके, पर वो हार गया था। नंबर 2, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। अब सन ने क्या किया था मैन का कोट निकालने के लिए? आंसर, द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। सन ने क्या स्टार्ट कर दिया? शाइनिंग मींस ज्यादा धूप तेज और शाइन करने लगा, ज्यादा धूप देने लगा तो ताकि उसे गर्म हो, हॉट फील करे वो और अपना कोट निकाले। उसने वही किया और वो जीत गया। नंबर 3, हु वॉन इन द एंड। कौन जीता? द सन वॉन इन द एंड, एंड में सन ही जीता। Next question number 2, fill in the blanks. Number 1, one day the wind and the dash had a competition. One day wind or kiska competition, kiske beech competition tha? The wind and the sun ke beech competition tha. Number 2, the man dashed his coat tightly around himself. Man ne uska coat tightly kya tha? पुल किया था, पकड़ा था, टाइटली पुल्ड मींस उसने अपना कोट टाइटली वो पकड़ने लगा क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। द मैन पुल्ड, P-U-L-L-E-D, पुल्ड। नंबर 3, द विंड एंड द सन वांटेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज डैश। सन और विंड क्या चाहते थे? मैन से क्या निकलना चाहते थे? कोट निकलना चाहते थे। अब क्या लोगे? कोट। द सन मेक्स मैन फील डैश। सन ने मैन को क्या फील करवाया? हॉट फील करवाया था, गर्मी। Sun makes man feel hot. Next, who said the following? Question number 3. Number 1, I can get this coat off more quickly than you can. अब किसने ये सेंटेंस बोला था कि मैं तुमसे ज्यादा जल्दी मैन का कोट निकलवा सकता हूँ? ये किसने बोला था? विंड ने बोला था, W-I-N-D, विंड ने कहा था। नंबर 2, I will let you try first. अब उसने किससे कहा था ये कि मैं तुम्हें फर्स्ट चांस देता हूँ, तुम ट्राई कर दो? ऐसा सन ने कहा था विंड को। अब क्या लिखोगे? ये स्टेटमेंट सन ने कही है कि मैं तुम्हें फर्स्ट चांस देता हूं। नेक्स्ट, हाउ कोल्ड इट इज। ये किसने कहा हाउ कोल्ड इट इज, कितनी ठंड है आज? तो ये मैंने ने कहा था, तो आप लिखोगे मैं। देन नंबर 4, आई गिव अप, आई कांट गेट हिज कोट ऑफ। कि मैंने गिव अप किया कि मैं उससे कोट नहीं निकलवा पाया, ये किसने क्या था? विंड ने। नंबर 5, आई हैव वॉन, कि मैं जीत गया। कौन जीत गया था? सन। सन ने कहा होगा वो जीत गया, तो ये सन ने कहा था। नाउ एनी वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 1, वन फन, होल्ड कोल्ड, वोट कोट, फैन रैन, सनी फन, पॉट हॉट। ओके दीज आर दी एनी वर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट अपोजिट्स। नंबर 1, हॉट मींस गर्म, तो उसका अपोजिट क्या होगा? कोल्ड, ठंडा। नंबर 2, बिग मींस बड़ा, उसका अपोजिट क्या होगा? स्मॉल, छोटा। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग मींस बहुत ही ताकतवर,
उसका ऑपोजिट क्या होगा? वीक मींस कमजोर. नंबर फोर गुड, उसका ऑपोजिट क्या होगा? बैड मींस गुड यानी अच्छा, बैड मींस गंदा. नंबर फाइव टॉल मींस लंबा, और उसका ऑपोजिट क्या होगा? शॉर्ट छोटा. नंबर सिक्स हार्ड मींस बहुत ही कड़क, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? सॉफ्ट मींस एकदम सॉफ्ट नरम, सॉफ्ट मींस नरम. नंबर सेवन ब्लैक मींस काला, उसका ऑपोजिट क्या होगा? व्हाइट मींस सफेद. नंबर एट क्विकली मींस जल्दी करो, क्विकली. और नंबर उसका ऑपोजिट क्या होगा? स्लोली मींस आराम से धीरे. नंबर नाइन टाइट, एकदम ही टाइट, कुछ भी चीज़ होती है एकदम टाइट, और उसका ऑपोजिट क्या होगा? लूज मींस ढीला. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, एड आईएनजी टू द फॉलोइंग वर्ड्स मींस वॉक ब्लो पुल पफ स्माइल शाइन वाइट. इसमें आपको क्या यूज करना है? आईएनजी, आपको एड आईएनजी. वॉक तो वॉकिंग, डब्ल्यू ए एल ए आई एन जी वॉकिंग, मींस यू हैव टू एड आईएनजी इन दीज वर्ड्स. ओके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन वर्ड मीनिंग्स. नाउ यू हैव टू राइट द वर्ड मीनिंग्स. नंबर वन क्विकली, एज यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विकली? फास्ट मींस जल्दी. स्ट्रॉन्गर मींस मोर पावरफुल, मतलब ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ताकतवर. नंबर थ्री वाइपिंग, रबिंग विद अ क्लोथ मींस किसी भी क्लोथ से रब करना, क्लीन करना, वाइप करना, साफ करना. और फिलिंग, फिलिंग समथिंग विद एयर मींस एयर से